इसके जरिए हम प्लांट से कंक्रीट लेके आते हैं, ये वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे हमने एक जगह से दूसरी जगह कंक्रीट को शिफ्ट करना हो, क्योंकि कंक्रीट का सेटिंग टाइम बहुत कम होते हैं, इसलिए हम मशीन में लेके आते हैं ताकि इसमें हमारी कंक्रीट सख्त ना हो। दूर दराज इलाकों में कंक्रीट बनाना और वहाँ पे जो खर्चे आते हैं उनको कम करने के लिए हम प्लांट से कंक्रीट लेके आते हैं। प्लांट किधर है आपका? प्लांट हमारा यहाँ से आदि वाला जो कबीर वाले के पास है, यानी कि 8 से 10 किलोमीटर सफर हो जाता है। वहाँ से हम ये कंक्रीट लेके आ रहे हैं, देखिए हमारे पास बिल्कुल फ्रेश कंक्रीट है जैसे हमने वहाँ से ली। यानी अगर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो, चाहे वो कोई सरकारी हो चाहे कोई प्राइवेट हो, तो आप यहाँ से कंक्रीट मंगवाया जा सकता है? जी यहाँ से मंगवाया जा सकता है। तो ये इसके कंक्रीट वगैरह इसका खर्चा कितना है? इस पर तकरीबन ये हम बिल्कुल लो क्वालिटी का माल यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमने नीचे बिछाना है, इसके ऊपर हम जो डक्टाइल या मार्बल के लिए माल बिछाएंगे उसकी और इसमें बहुत डिफरेंस है। इसको जो आम 1 मीटर का इस वक्त जो कास्ट हो रहा होगा हमारे पास 10,000 या मिनिमम 12,000 होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे जैसे आप हैवी कंक्रीट मंगवाएंगे वैसे वैसे इसके रेट भी हैवी हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी अपना प्लाजा बना रहा है, जी तो उसमें उस ये क्या हेल्प करेगा अगर यहाँ से मंगवाया जाए? ये उस जो काम है ना वो काम की स्पीड को तेज़ करेगा, क्योंकि एक आपके पास जो मशीन होती है या आम लेबर के साथ आप काम करेंगे ना वो बहुत सुस्ती से होगा और ये काम बहुत तेज़ी से होगा। अच्छा, ये कंपनी का नाम बताया आप? हमारी कंपनी है थीम कंस्ट्रक्शन कंपनी। अच्छा, इंटरनेशनल कंपनी है कि लोकल? भाई हमारे बहुत सारे काम जाते हैं, कानेवाल, कबीर वाला, मुल्तान, बहावलपुर, लाहौर, इस्लामाबाद, हमारे बहुत काम जाते हैं। तो आपका नंबर दे सकते हैं यहाँ पर कंपनी का कि जो आप लोगों से रब्ता करना चाहें वो? हमारे साइड इंचार्ज का नंबर है 03035-37-28। आपको कोई भी प्रोजेक्ट आपने बनवाने हैं तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ये ज़रा थोड़ा सा बताएं ये कैसे ऑपरेट करती है मशीन, इसका नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं TM, ट्रांसप्लांट मशीन। अच्छा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली मशीन। इसके अंदर कैपेसिटी कितनी है? इसके अंदर हम 5 मीटर तक माल लोड कर सकते हैं। इससे हैवी मशीन भी है, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर तक मशीन मिल जाती है। अच्छा, वो हमारे पास कास्ट के एतबार से, काम के एतबार से और सफर के एतबार से हम ये मंतखब करते हैं कि हमने कौन से रास्ते पर कौन सी गाड़ी लेके जानी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो इसके अंदर माल है कंक्रीट जो है वो लोड हुआ है किसी प्लांट से इसमें डायरेक्ट, किसी यानी कि मजदूरों वगैरह ने, लेबर ने नहीं किया? लेबर का इसका कोई काम नहीं, ये डायरेक्ट मशीन के जरिए बनाए जाते हैं और मशीन के जरिए मुंतखब किया। तो इसकी क्वालिटी कैसे चेक की जा सकती है? तो जस्ट वहाँ से प्लांट से आया और फिर उसके बाद इसमें आपने उसमें डाल दिया, तो जो ठेकेदार होगा या जो भी शख्स होगा वो इसकी क्वालिटी कैसे चेक करेगा? कि क्वालिटी के लिए हम इस पर टेस्ट लगाते हैं। क्या टेस्ट? कंक्रीट पर भी टेस्ट होती हैं और साफ होने के बाद फिर भी टेस्ट होती है। इस पर 2 या 3 तरह के टेस्ट होते हैं, स्लम कोन टेस्ट होता है और क्यूब का टेस्ट होता है। वो बहुत लेट होते हैं, वो लेबॉरेटरी में लेके जाने पड़ते हैं उनके। अच्छा, जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कैसे काम करता है ये, आप इसको कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? ये हमारे पास ऑटोमेटिक है, ये हमारे पास एनर्जी है, मशीन है, लीवर है, ये हमारे पास लीवर, ये इस वक्त क्लोज है। इसको आगे की तरफ करेंगे तो हमारा प्लांट माल देना शुरू कर देगा। अभी आप देख लीजिए सीखने जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और thank you.